नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो अरविंद केजरीवाल, जैसा कि उनका बिहेवियर है और जैसा कि उनका चाल चरित्र है, खुद को अच्छा और सच्चा साबित करने के लिए वो अगर झूठ भी बोले ना, उन्हें कोई परहेज नहीं है। और वो ये इस समय कर रहे हैं, यानी कि झूठ बोल रहे हैं और खेल खेल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। शराब घोटाले में 156 दिन तक जेल में रह कर के आए हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 22 सितंबर को जंतर मंतर पे एक जनता की अदालत लगाई थी। अदालत क्या, वो उनका एक नुक्कड़ नाटक कह लीजिए। और अब फिर से वो वैसा ही एक ड्रामा करने जा रहे हैं कि जनता की अदालत में मैं पेश होऊंगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। इस बार वो 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में एक अदालत लगाने जा रहे हैं, जनता की अदालत होगी, उसमें वो पेश होंगे। और इसमें बड़ी संख्या में लोग आ भी सकते हैं, जैसा कि उनकी पार्टी इस समय परसेप्शन बना रही है। और देखिए, 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान हो जाएगा। इधर ये जो तारीख चुनी गई है वो ये बताती है कि उन्हें हरियाणा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और अब वो दिल्ली विधानसभा के चुनावी समर में कूदने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिलहाल हरियाणा में लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और उनका कहीं पता ही नहीं है। जहां वो कह कर के आए थे कि जेल में उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें गंभीर बीमारी हो गई, उन्हें कैंसर हो गया, ब्ला ब्ला, लेकिन अब वो कहाँ अंडरग्राउंड है। अचानक से हरियाणा भागने की वजह क्या है? क्या केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते, हालांकि समय बहुत कम रह गया है? क्या वो वजह शीशमहल है, शराब घोटाला है, या फिर कोई गंभीर बीमारी? इसी पर दोस्तों बात करेंगे और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा वही निवेदन, वही विनम्र आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखिए। तो आप याद कीजिए, केजरीवाल जेल में थे, सुनीता केजरीवाल हरियाणा का लाल जेल में है, ये कह कर करके मोदी और शाह को कोस रही थी। अब हरियाणा का लाल जेल से बाहर है तो उसका किसी को अता पता ही नहीं है। किस उधेड़बुन में इस समय अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं? एक तो उनका ठिकाना छिन गया है, अब ठिकाना छिन गया है, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं शीशमहल छोड़ दूंगा, लेकिन उसे दोबारा हासिल भी करना है। आप समझिए, ये योजना शीशमहल को छोड़ने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने बना ली है कि शीशमहल को छोड़ के वो फिर से एक त्यागी होने का नाटक करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपना इस्तीफा देकर के एक नाटक किया और उन्होंने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो शीशमहल छोड़ने जा रहे हैं और साथ में उन्होंने ये प्लानिंग बना ली है कि शीशमहल तो छोड़ रहे हैं लेकिन फिर इसे हासिल कैसे करना है, इस पर भी आगे मैं बात करती हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली पर पूरा फोकस है अरविंद केजरीवाल का। अब फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ वो तो सीएम नहीं बन सकेंगे, लेकिन कोई तो सीएम बनेगा और वो सीएम का नाम क्या होगा, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। वो नाम है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उसी में वो अभी से जुटे हुए हैं। और एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि शीशमहल केजरीवाल की जिंदगी का सबसे अहम अध्याय है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने कोई घर नहीं बनाया 10 साल सीएम रहने के बावजूद, अगर उन्होंने घर नहीं बनाया तो ये शीशमहल में लाखों लाखों रुपए के कम्बोर्ड, पर्दे, न जाने क्या क्या चीजें कीमती, वो सब क्यों लगाई है? अच्छा, आप चाहे शीशमहल को उनकी जिंदगी का काला अध्याय कहिए या फिर केजरीवाल की कमजोरी कहिए,
अरविंद केजरीवाल का आशियाना बदलने वाला जरूर है, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं मंत्री पद से, तो लिहाजा उन्हें आवाज तो खाली करना ही होगा और एक दो दिन में इसे वो कर भी डालेंगे। लेकिन मैं जो बात बता रही हूँ उससे आप समझिए कि उन्होंने शीश महल को छोड़ा है, लेकिन शीश महल को कैसे दोबारा पाना है इसकी उन्होंने प्लानिंग बना ली है। आप ये बात भी दिमाग में रखिए। अब केजरीवाल का जो ठिकाना है फॉर द टाइम बीइंग वो फिरोज शाह रोड पर होगा। हालांकि बंगले को लेकर के सस्पेंस है कि वो कौन से बंगले में जाते हैं, यानी कि वो रहेंगे लुटियन जोन में ही। अब आते हैं हरियाणा चुनाव पर। हरियाणा चुनाव में उनकी कितनी दिलचस्पी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जिस गंभीरता से चुनाव लड़ने की बातें बना रही थी वो पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब मतदान में भी कुछ ही घंटे बचे हैं, पर आप ये देखिए कि पिछले 5 दिनों से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कहना चाहिए कि एक्टिव नहीं है, ना के बराबर उनकी सक्रियता है। तो ऐसा क्यों है? हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव इस समय अंतिम चरण में है और सभी राजनीतिक दल पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस दिन से तिहाड़ से निकले हैं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो हरियाणा में जाकर के क्या कर देंगे, क्या दिशा बदल देंगे, क्या मतलब वहाँ घोषणाएं करेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे तो अच्छा उनकी पत्नी कम से कम हरियाणा का लाल गा तो नहीं थी, लेकिन हरियाणा का लाल निकला तो वो सीन से ही गायब है जब से वो जेल से निकले हैं। अब अगर हम बात करें कि जो अरविंद केजरीवाल की एक स्पीड है ना, एक चाल है, वो ये बताती है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका, अपने इरादों में कुछ बदलाव कर लिया है। क्योंकि ही सच ए पर्सन कि उनके दिमाग में हर समय खुराफात चलता रहता है। अब ये खुराफात, एक तो देखिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, पार्टी में घमासान मचा हुआ है, प्लस सबसे जो भारी भरकम मैटर है वो है शीश महल। केजरीवाल ने इसी बीच वैसे हरियाणा के बल्लभगढ़, असंध और रेवाड़ी में रोड शो किया, लेकिन जो उनका अपना स्टाइल है वो किसी ने देखा नहीं। तेवर एकदम ढीला, जीरो लेवल पे था। अब इसकी वजह शराब घोटाला है जिस वजह से लोग केजरीवाल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और शराब घोटाले ने अगर हरियाणा में रंग दिखाया है तो आप ये समझ लीजिए कि ये रंग दिल्ली में भी दिखेगा। दिल्ली के लोग घास की रोटी नहीं खाते हैं, उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस समय किस प्रोफाइल में हैं, उनके साथ क्या क्या टैग चिपके हुए हैं, कौन कौन से घोटाले हैं। एक समस्या और भी है, अब बोले तो क्या बोले, मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोलना कहना केजरीवाल ऐसा कुछ चाहते नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली में मे बी जो उनकी रणनीति है वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की हो सकती है। और इसी बीच जब भी वो हरियाणा में जाते हैं तो उन्होंने कोई बात कांग्रेस को लेकर के नहीं कही। ये एक चुपचाप वाला जो समझौता होता है ना, किसी को स्वीकार कर लेना लेकिन मुंह से बोलना नहीं, ये उस तरीके का एक उनका समझौता है। और इसीलिए शायद से केजरीवाल की रैलियों और रोड शो में चर्चा न तो कहीं मीडिया में हो रही है, ना ही कहीं आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है। रेदर वो अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने सोशल हैंडल्स पे भी अपने प्रचार को वो नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके मुकाबले तो कांग्रेस बहुत एक्टिव है, बीजेपी सबसे ज़्यादा रैलियाँ कर रही हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, शाह की लगातार रैलियाँ हो रही हैं और कांग्रेस की रैलियाँ हो रही हैं। अब तो राहुल और प्रियंका भी स्टार प्रचारकों में सबसे ऊपर हैं और दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो दिख रहा है ना वही तो समझिए कि बिक रहा है ना। अरविंद केजरीवाल को आपने कितनी रैलियों में देखा, वो कहीं किसी सीन में नहीं है।
तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से ज्यादा उनके जो डेप्यूटी सीएम हैं पूर्व सिसोदिया वो दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहीं कहीं। लेकिन वो भी कहाँ दिख रहे हैं, जहां पर उन्हें ये दिखाना है कि हम कुछ कमजोर हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ एक दोस्ती वाला जो मैच होता है जिसे फ्रेंडली मैच कहते हैं वो खेल रहे हैं। इससे आप मतलब समझ लीजिए कि इन्हें वहाँ कुछ नहीं करना है या इनके लिए कुछ बचा नहीं है। भिवानी में एक चुनावी रैली को जब केजरीवाल संबोधित करते हैं तो उन्होंने अपनी जड़ों का जिक्र किया कि वो हरियाणा के बेटे हैं और हरियाणवी को कोई तोड़ नहीं सकता, ये उनकी बीवी भी कहती थी, उनकी पत्नी भी कहती थी। और ये बात उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कही थी। अब उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल की जेल रहने के दौरान लगातार हरियाणा में रैलियां कर रही थी। उन रैलियों में केजरीवाल को हरियाणा का लाल कह रही थी, पर हरियाणा का लाल उनका जहाँ पे जन्म स्थान है वहाँ पर वो बिल्कुल सीन से गायब हैं, सिरे से गायब हैं। और तिहाड़ जेल से निकलने के बाद से हरियाणा चुनाव को लेकर के जो एक लोगों को लग रहा था कि बड़ा उत्साह दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल, वो इसमें बिल्कुल उसका जो लेवल है वो ज़ीरो है। आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। पिछले ही हफ्ते जिस तरीके से केजरीवाल ने हरियाणा में कुछ खास सीटों पर अपनी यू कैन से दिखाया कि मैं हूँ यहाँ, उससे ये लगता है कि केजरीवाल समझ गए हैं हरियाणा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। और ये साफ दिख रहा है कि वो अपने आप को वहाँ जाया नहीं करना चाहते, मतलब अपने आप को वहाँ खर्च नहीं करना चाहते, वो अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं ताकि दिल्ली में वो ठीक ठाक से काम कर सके और आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंट है वो कम से कम ठीक रहे। और उनके जो सहयोगी हैं, अगर हम ये कहें कि वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत भी कुल 89 प्रत्याशियों के लिए नहीं हो रही है। कुछ ऐसी सीटों पर ये मेहनत हो रही है जहां आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीद है, जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ठीक ठाक स्थिति में हैं, पर कांग्रेस मजबूत है वहां भी। अरविंद केजरीवाल ने रैली और रोड शो ना के बराबर किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का भविष्य में आगे बढ़ना है तो उसे कांग्रेस के सहारे की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये बात अब उन्होंने मन से स्वीकार कर ली है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में तो आप समझ लीजिए कि वो कांग्रेस का सहारा लेंगे ही लेंगे। अब कल को क्या होता है ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पे अरविंद केजरीवाल के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने ये सीन दिखाया है हरियाणा का, उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो उनकी मौन दोस्ती है उसको लेकर के अंदाज लग रहे हैं कि वो दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो कांग्रेस की मदद लेंगे। एक और बात है जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि वो शीश महल को लेके बहुत चिंतित हैं और शीश महल को उन्हें छोड़ना भी है, फिर शीश महल को उन्हें पाना भी है। ये जो कश्मकश है इसने अरविंद केजरीवाल की जो नींद है वो हराम की हुई है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि वो दिल्ली जीत लें। हरियाणा में लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के लोग भी ढूंढें उन्हें। अब वो अपनी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने 22 सितंबर को एक जंतर मंतर पे जनता की अदालत लगाई थी। अब 6 अक्टूबर को जिस तरीके से वो छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत में पेश होंगे, तो सवाल ये भी है ना कि क्या जनता उनको माफ़ कर देगी। जनता को ये पता है कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले का टैग, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, टैग उनके गले में फेविकोल से चिपका दिया है ना, वो तब तक नहीं उतरेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद उसे उतारेगा नहीं। शर्तें बहुत सारी हैं। अब सुनीता केजरीवाल को कितना स्वीकार करती है वहाँ की जनता, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं
बिजली पानी के मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के पहले वहाँ की जनता बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब वो स्थितियाँ बदल रही है। और हरियाणा में वो कहकर के आए, उन्हें जेल में टॉर्चर किया गया, उन्हें वहाँ कैंसर हो गया। अब अगर दिल्ली में भी यही बात कहेंगे, क्योंकि हरियाणा की जनता ने उन्हें भगा दिया है वहाँ से, लेकिन दिल्ली की जनता क्या कहती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बड़े नज़दीक से उन्हें देखा है। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, देख सुन सब सब रोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उन्हें नज़दीक से देख रही है, वो उन सड़कों पे चल रही है, उन्होंने वो पानी का सैलाब देखा है, उन्होंने वो वक्त देखा है जब वो एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तो उनमें और हरियाणा के लोगों में बहुत फर्क है। इन्हें जवाब देना होगा किस तरीके से इन्होंने दिल्ली को कहा था कि हम बना देंगे, और दिल्ली क्या से क्या हो गई है, और आम आदमी को चाहिए क्या होता है, साफ सुथरी हवा, अच्छी सड़कें हों जिसके लिए वो टैक्सेस दे रहे हैं, और पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए। लेकिन वहाँ की जनता को तो जिस समय भयंकर गर्मी पड़ रही थी वो दो दो बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, ये हालत हो गई थी कि आतिशी मार लेना को अनशन करना पड़ा था। अच्छा, अनशन वो किसके खिलाफ कर रही थी, अपनी ही सरकार के खिलाफ। और बहाना क्या था कि उन्हें हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा। और ये भी अच्छी तरह से वो जान रही थी कि उनका जो टैंकर माफिया है वो वहाँ से पानी चुरा के ला रहा है और उनको बस्तियों में बेच रहा है। फिर जब गर्मी जाती है, मानसून आता है, तो गंदे पानी में लोग तैर तैर के अपने ऑफिस जा रहे थे। तो क्या जनता वो सब चीज़ें भूल चुकी है? उन सबका जवाब तो देना पड़ेगा। शराब घोटाला एक तरफ है, उनकी ज़रूरतें एक तरफ है, और जब हम दोनों चीज़ों को क्लब करते हैं तो जनता ये देखेगी ना कि ये ईमानदार व्यक्ति है या ये बेईमान है। क्योंकि अब उनके साथ बेईमानी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज का टैग लग चुका है, तो दिल्ली उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी। इसलिए वो कांग्रेस के कंधे की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत सारा आप ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।